हाय एवरीवन, अगर आप लखनऊ घूमने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि लखनऊ सही तरीके से कैसे घूमें। जब हम दूसरे सिटी में घूमने जाते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि मेन प्लेस से हम विजिटिंग प्लेस तक कैसे जाएं। जैसे सबसे पहली बात है कि जैसे ही आप लखनऊ स्टेशन पे पहुंचते हो तो सबसे पहले आपको वहां से बड़ा इमाम बाड़ा जाना चाहिए। लखनऊ की जो सबसे फेमस जगह है, जो लखनऊ की शान है, वो है वहां का बड़ा इमाम बाड़ा। तो सबसे पहले आपको करना ये चाहिए कि जो लखनऊ स्टेशन है वहां से आप रिक्शा ले सकते हो। जो रिक्शा का किराया होगा वो 30 से 40 रुपए के बीच होगा और आप बड़ा इमाम बाड़ा जाए। जैसे ही आप बड़ा इमाम बाड़ा जा रहे हो या प्लान कर रहे हो घूमने का, तो एक बात का ख्याल रखें कि आप फ्राइडे को ना जाए, क्योंकि फ्राइडे को उसमें अजान पढ़ा जाता है, जिसके कारण जो बड़ा इमाम बाड़ा है वो शाम के 4 बजे से खुलती है और आपको मात्र 2 घंटे मिलते हैं उसको घूमने के लिए। तो फ्राइडे छोड़ के आप किसी भी दिन जा सकते हैं बड़ा इमाम बाड़ा घूमने, और काफी खूबसूरत है। आप देखोगे तो लखनऊ आपको बहुत पसंद आने वाला है। फिर जैसे ही आप इमाम बाड़ा पहुंचते हो तो उसके जस्ट थोड़ी सा आगे घंटा घर है, जो कि एक टावर है जिसपे चारों डायरेक्शन में घड़ियां लगी हुई है और वो घड़ियां अभी भी सही समय बताती। उसके थोड़ा सा ही आगे उसी रास्ते में आप जाते हो तो छोटा इमाम बाड़ा मिलता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले आप बड़ा इमाम बाड़ा जाए, स्टेशन से रिक्शा लें और बड़ा इमाम बाड़ा जाए। वहां से आपको घंटाघर भी देख सकते हो आप, वहां से आप छोटा इमाम बाड़ा भी देख सकते हो। फिर उधर से आप रिटर्न आते हो बड़ा इमाम बाड़ा, तो आपको वहां से ऑटो रिक्शा बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल्स है वो मिल जाएगी। आप वहां से अंबेडकर पार्क जा सकते हो, या फिर अगर आप लखनऊ स्टेशन हो और आप सीधा अंबेडकर पार्क ही जाना चाहते हो तो आपको मेट्रो से सबसे पहले हजरतगंज जाना चाहिए। जो चारबाग मेट्रो स्टेशन है वहां से आप मेट्रो पकड़ के हजरतगंज जाइए। उसकी जो टिकट होगी वो 20 रुपए की टिकट होगी और हजरतगंज से आपको ऑटो मिलती है। ऑटो का किराया है 20 रुपए और वो आपको अंबेडकर पार्क पहुंचा देगी। अंबेडकर पार्क बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बड़ा है और बहुत ही उम्दा बनाया गया है, आपको बहुत पसंद आएगा। वो पूरी खुली जगह है, पूरा लखनऊ शहर दिखता है वहां से, वहां की हवाएं एकदम खुली जगह है, तो हवाएं भी बहुत अच्छी लगती है। शाम का टाइम घूमने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा। जब आप अम्बेडकर पार्क पहुंच जाते हो तो वहीं से आप जो गोमती रिवर है वहां की साइड पे भी जा सकते हो। तो इसलिए जो सिस्टमेटिक ढंग है, सबसे पहले आप बड़ा इमाम बाड़ा जाए, उसके बाद घंटा घर घूमे, फिर छोटा इमाम बाड़ा घूमे, फिर वहां से ऑटो लेके आप जा सकते हो अम्बेडकर पार्क। अम्बेडकर पार्क जाने के बाद आप वहां के गोमती नदी जो है उसके साइड को देख सकते हो। और फिर अगर आप प्लान कर रहे हो लखनऊ जू घूमने का, तो जैसे ही आप लखनऊ स्टेशन से हजरतगंज आते हो मेट्रो से, तो हजरतगंज के पास ही हजरतगंज मेट्रो स्टेशन जो है वहीं पे लखनऊ जू है। तो इस तरीके से आप घूम सकते हो और आपका समय बच सकता है। बिना घबराहट के, बिना एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए आप लखनऊ अच्छे से घूम सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।